दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी क्लास 6 में हमने फाइबर टू फैब्रिक को डिस्कस किया, वहां पे हमने देखा कि फाइबर एक प्लांट से भी मिल सकता है और हमने कई प्रोसेसेस देखे कैसे हम एक प्लांट से फाइबर को ऑब्टेन करते हैं और उसको हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि एक फाइबर को हम एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और उसको एक फैब्रिक में चेंज कर सकते हैं। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे रहा हूं। ये देखिए, यहां पे आप ये देख लीजिए, यही हम आने वाले लेक्चर में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहां पे एक आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर फाइबर टू फैब्रिक। जिसको भी ये वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो फाइबर था वो एक हमको प्लांट से मिल रहा था और आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि यही फाइबर जो है कैसे हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं और कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो एनिमल से अगर आप बात करिए तो हमको वुल मिलता है और हमको सिल्क मिलता है। तो वुल हमको किससे मिलेगा, कौन से एनिमल से मिलेगा? तो ये हमको गोट से मिल सकता है, हमको शीप से मिल सकता है, हमको कैमल से मिल सकता है और हमको याक से मिल सकता है। ठीक है, और भी कई एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और सिल्क हमको मिलेगा सिल्क वॉर्म से। ठीक है, इनके बारे में अभी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम प्रोसेसेस भी देखेंगे कैसे ये हमको मिलता है। तो आप पेशेंस से पूरे लेक्चर को देखते रहिए, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो अभी हम वुल के बारे में बात करेंगे, वुल हमको कैसे मिलता है। तो वुल में हम यहाँ पे एक हम एनिमल ले लेते हैं, जैसे कि शीप, आपके यहाँ पे बुक में भी दे रखा है, आपको देखने में रेफरेंस में आपको आसानी होगी, इसीलिए मैं वही ले रहा हूं। तो शीप हमको क्या देता है, हेयर देता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम फ्लीस कहते हैं। ठीक है, यही फ्लीस हमको वुल देगा। तो ये अभी हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे। और अभी हमने बात की सिल्क की, तो सिल्क हमको किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो सिल्क वॉर्म फ्रेंड्स कैसे हमको सिल्क देगा, ये क्या करेगा, हमको सिल्क मॉथ से मिलेगा जो कि सिल्क वॉर्म भी कहलाता है। ठीक है, और सिल्क वॉर्म ये दोनों एक ही हैं, सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ। और ये क्या करेंगे, ये अपने आप को एक घेरा बना लेंगे, उसको हम ककून कहेंगे। यही ककून हमको सिल्क देता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, घबराइए मत। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। ये आपको एक ब्रीफ आइडिया में दे रहा हूं ये कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम मैं बात कर रहा था फ्लीस की, वुल में। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे हेयर की। तो हेयर भी फ्रेंड्स या फ्लीस दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के फ्लीस क्या होंगे, एक तो होगा कोर्स होगा हेयर। ठीक है, कोर्स फ्लीस, और दूसरा होगा सॉफ्ट फ्लीस या हेयर। तो कोर्स जो है ये आप समझ लीजिए कैसे हैं, मोटे बाल हैं। ये मोटे बाल जो शरीर में होते हैं, और ये स्पेशली कहां पे होगा, ये आपका दाढ़ी में होगा। ठीक है, बियर्ड में होगा, दाढ़ी में होगा। और सॉफ्ट क्या होगा, ये आपकी बॉडी पे होगा, रिमेनिंग बॉडी पे होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक तरह का बाल हो गया कोर्स हेयर और दूसरा हो गया सॉफ्ट हेयर, जो कि आपका थिन हेयर हुआ, फाइन हेयर हुआ। ठीक है, जो अच्छा हेयर जो कि सॉफ्ट होगा वो आपके बॉडी पे होगा। तो अब आपको एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, काफी इंटरेस्टिंग, कि कुछ एनिमल्स हैं ये, इनपे आपको क्या मिलेगा, इन्हीं में से कुछ एनिमल्स होंगे शीप में ही, कुछ शीप्स होंगे जिनके सिर्फ सॉफ्ट ही हेयर होगा। ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करें। तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, जैसा कि आप ये नाम से आप समझ पा रहे हैं, कुछ यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। अगर हाई क्वालिटी का कोई जानवर लिया जाएगा, हाई क्वालिटी का अगर हम शीप लेंगे तो हमको अच्छी क्वालिटी का हेयर मिलेगा, ये तो बेसिक है, आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं। तो ये कैसे होगा,
इसके लिए हमको एक मेल शीप की जरूरत पड़ेगी और एक फीमेल शीप की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों में से कोई एक हाई क्वालिटी का होना चाहिए, या तो मेल या तो फीमेल। फिर इन दोनों को फ्यूज कराया जाएगा, ठीक है, और इससे इनके बच्चा होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ये फिर क्या होगा, क्योंकि फादर हाई क्वालिटी का था या मदर हाई क्वालिटी की थी, तो बच्चा भी हाई क्वालिटी का ही होगा, ठीक है। अगर आपके मदर फादर इंटेलिजेंट हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप भी इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, और अगर वाइजे वर्सा ऐसा हुआ तो आप उसी हिसाब से हो जाएंगे। लेकिन ऐसा जनरली ह्यूमन में कम देखा जाता है, ये एनिमल्स में ज्यादातर देखा जाता है। पेरेंट्स से ज्यादा चीजें ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है कि पहले से ही मेल या फीमेल को हाई क्वालिटी का सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद फ्यूजन होता है और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और अब बात आती है कि ये तो हो गया हेयर की बात, और ये जनरल आप सोचिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये बाल इनके शरीर पे क्यों जरूरी है, ये हेयर क्यों जरूरी है किसी एनिमल के ऊपर। तो अगर आप हेयर की बात करें तो हेयर क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एयर ट्रैप कर सकता है, ये एयर को रोक सकता है। ये देखिए, ये जो एनिमल है ये कितना थिक इसके स्किन है, ये अपने इस हेयर के बीच में एयर को ट्रैप कर सकता है, रोक सकता है। उसके कारण क्या होगा, बाहर की ठंडी हवा इसको नहीं लगेगी या बहुत ज्यादा गर्मी जो होगा वो भी ये झेल लेगा। तो ये इसका जनरल क्वालिटी है। देखिए हेयर हेयर कितना जरूरी है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं हेयर जो है ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, हीट का या कोल्ड का, ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है, हीट या कोल्ड, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आपने देख ली। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे एनिमल्स और हो सकते हैं जिनसे हम ये बाल ले सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हम शीप से कैसे हेयर लेते हैं। तो जो ये जनरल शीप हमको दिखती है, ये जनरल शीप से हमको क्या मिलता है, हमको वुल मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स स्पेशल होते हैं, जैसे कि याक है। ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा तिब्बत में मिलेगा या लद्दाख में मिलेगा, ठीक है, ये एरिया वाइज मैं अब आपको बता रहा हूं। फिर अब अंगोरा गोट है, अंगोरा गोट जो है आपको कहां मिलेंगे, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, जे एंड के में मिलेंगे, ठीक है, हिली रीजन्स में मिलेंगे। और कश्मीरी गोट बहुत ही एक फेमस है, जिससे क्या बनता है, कश्मीरी गोट बहुत फेमस है, जिसके बहुत ही सॉफ्ट हेयर होते हैं, ये सॉफ्ट हेयर के लिए फेमस है। इनसे क्या बनता है फ्रेंड्स, पश्मीना शॉल बनता है, ठीक है, पश्मीना शॉल बनता है, जो कि वर्ल्ड में बहुत ही डिमांड में है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये तो हो गई इंडिया की बात। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड की। अगर आप वर्ल्ड में आप देखें तो साउथ अमेरिका में कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हमको हेयर मिलता है, वो है क्या, लामा, ठीक है, लामा, और है अलपाका, ठीक है। तो इनके आप पिक्चर देखिए, यहां पे देख भी सकते हैं, ये है अंगोरा गोट, ठीक है, और ये हो गया लामा, ये हो गया अल्पाका, और ये है या, ठीक है, इनका आपको बता दिया मैंने। और अब आप बात करिए कैमल की, कैमल कहां पे मिलेगा, तो कैमल आप जानते हैं कि आपको ये जनरली डेजर्ट्स में मिलते हैं, ये हॉट रीजन्स में मिलते हैं। तो डेजर्ट आपको कहां कहां पे है, थार डेजर्ट है इंडिया में, अगर आप अफ्रीका में जाएं तो वहां पे सहारा में आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में ये मिलेगा, ठीक है, ये आप
ने डिस्कस किया और इनके आप देखिए यहां से आप पिक्चर आप देख लीजिए, ऐसे आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि कैसे ये फाइबर हमको मिलता है और फिर हम उसको वुल में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइबर टू वुल में जो पहला स्टेप है कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे रेयरिंग, ठीक है, रेयरिंग या ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग की हमने बात कर ली थी अभी, तो ब्रीडिंग पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा रेयरिंग की। तो आपको कहां कहां पे ये एनिमल्स मिलेंगे ये भी मैंने डिस्कस कर लिया, तो ये फिर से मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो रेयरिंग में आप पालेंगे कैसे, अगर मान लीजिए शीप है या गोट है, तो ये आप जानते हैं कि ये हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोरस होने के कारण आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको इनको खिलाने के लिए ग्रासेस की जरूरत पड़ेगी, आपको लीव्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये आपको उनके खाने के लिए अरेंज करना पड़ेगा। और ये अगर आप चाहते हैं कि और हेल्दी हो, अच्छा आपको उनका फर मिले, तो उसके लिए आपको मिक्सचर देना होगा, मिक्सचर आपको देना होगा इनके साथ में, ठीक है। किस चीज का आप देंगे, आप दे सकते हैं पल्सेस का, दाल का, ठीक है, आप मिक्सचर दे सकते हैं कॉर्न का, ठीक है, मक्के का, या आप ज्वार का दे सकते हैं, ठीक है, इन सब चीजों का आप मिक्सचर दे सकते हैं, ऑयल का, और भी आप मिनरल्स का, कुछ कुछ और भी चीजें हैं जिनका आप दे सकते हैं। और अब अगर आप ये सोचिए कि अगर आप इनका हेयर ठंडी में हटा दें तो ये तो बच ही नहीं पाएंगे, ये मर जाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, ठंडी में इनको हम इंडोर रखते हैं। इन विंटर हम क्या करेंगे, इनको ठंडी के समय हम इनको घर के अंदर रखेंगे, इंडोर रखेंगे कि ये जिंदा रहे। इस समय हम इनको इनका ख्याल रखते हैं, हम इनको फॉडर देते हैं खाने के लिए, अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट्स देते हैं जिनसे ये हेल्दी हो। और जैसे ही समर आता है, समर में हम क्या करते हैं, इनके बाल हटा देते हैं, ठीक है, हम इनके बाल रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग कहेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हेयर, रिमूवल ऑफ हेयर होता है इसमें, ये जो प्रोसेस है इसमें हम बाल हटा देंगे, ठीक है, हेयर है ये। तो ऐसा हो गया कि आपने बाल हटा लिया गर्मी में, तो जानवर आसानी से रह भी सकता है, उसको कोई फिजिकली हार्म नहीं होगा, वो मर रहेगा नहीं, वो बच जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप हाथ से भी कर सकते हैं, बाय हैंड भी कर सकते हैं, और ये आप मशीन से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास काफी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम इसको मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, ये आपको काफी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जब ये जानवर जिंदा रहेंगे तो आपको ये ज्यादा आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो आप जब भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग करें तो आप अच्छे से देख लें कि वो अच्छे ब्रीड का ही हो, ठीक है, ये आपकी बेनिफिट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आप देखिए, हमने शेयरिंग कर ली पहले स्टेप में, हमने बाल को हटा लिया, ठीक है, यहां पे हमने बात कर ली। अब जब आप बाल को हटा लेंगे तो बाल के साथ कुछ थिक स्किन भी आ जाएगी और कुछ उसके साथ डर्ट भी आ जाएगा, तो उसको रिमूव करने के लिए अगला स्टेप होता है स्कोरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एक टैंक में कुछ हम उसको डाल देते हैं लेके, और उसको गीला कर देते हैं और स्टरिंग करते हैं, उसको घुमाते हैं, ठीक है। ये चीज भी हम मशीन से कर सकते हैं, ये हम हाथ से भी घुमा सकते हैं और इसको हम मशीन से भी कर सकते हैं। तो आप ये चीज याद रखिए कि जो भी स्टेप हम यहाँ पे बता रहे हैं वो हाथ से भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी आजकल इंप्रूव कर रही है, ठीक है। और जो अब ये हो गया,
आपने साफ भी कर लिया। अब तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा, अब हम अलग अलग करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अरेंज कर लेंगे कौन से बाल अच्छे हैं और कौन से बाल खराब है, कौन सा टेक्सचर हमको यूज करना है, कौन सा हमको, हम अपने हिसाब से बाल को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन होगा। और अगला जो स्टेप होगा, इसमें आप देखेंगे, आपने आप जब स्वेटर पहनते होंगे तो वहां पे कुछ मोटे मोटे से आपको कुछ फर टाइप का नजर आता है, कुछ स्किन टाइप का नजर आता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्मॉल प्लफी, ठीक है, स्मॉल प्लफी फाइबर होता है, इसको हम कहते हैं बर्स, ठीक है, ये बर्स होते हैं, BURRS बर्स होते हैं। ये आप जब स्वेटर पहनते होंगे तो ये आपको दिखता होगा, कहीं कहीं पे थिक हो जाता होगा स्वेटर, ये इसको भी रिमूव करने के लिए फिर से आपको स्कोरिंग का मेथड करना पड़ेगा, फिर से आपको भिगाना पड़ेगा। अगर आपको कभी खराब मटेरियल मिल जाता है तो आप उसको भिगाएंगे और फिर वो डर्ट आपका हट जाएगा, बर्स हट जाएंगे और फिर से वो कपड़ा अच्छा हो जाएगा। अब फिफ्थ जो स्टेप होगा, इसके बाद बर्स हटाने के बाद हम देखेंगे फिफ्थ स्टेप में हम अब डाई करेंगे, ठीक है, हम डाइंग कर सकते हैं, हम कोई भी उसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं, क्योंकि जो एक एनिमल होगा वो किसी एक पर्टिकुलर कलर का एक फर लेके आएगा और हम उसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। यहाँ पे हम फिफ्थ स्टेप में डाई करेंगे और फिर सिक्स्थ स्टेप में जब वो डाई हो जाएगा हम उसका रोल कर लेंगे, हम कोम करेंगे सबसे पहले, उसको स्ट्रेटन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रेट करेंगे, कोम करके कोमिंग करेंगे, ठीक है, और फिर उसी में ही कोम करने के बाद हम उसको रोल डाउन कर लेंगे, रोल कर लेंगे, वहां पे बांध लेंगे। तो ये देखिए सारे स्टेप यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए शेयरिंग दे रखा है, यहाँ पे एनिमल से हेयर हटा रहा है, ये आपका स्कोरिंग दे रखा है, यहाँ पे ये भिगा के उसको छुड़ा रहे हैं डर्ट को और जो भी थिक मटेरियल है। यहाँ पे जो ये स्टेप है, यहाँ पे देखिए ये भी स्कोरिंग का मेथड है, ये मशीन से कर रहे हैं जैसे कि ये स्टेयरिंग कर रहे थे यहाँ पे, और फाइनल स्टेप में हम इसको डाई करने के बाद रोल कर रहे हैं। ये सारे स्टेप यहाँ पे आपको दे रखा है। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि कैसे एक एनिमल से हम उसके हेयर को निकाल रहे हैं और हम पूरा वूल तैयार कर रहे हैं, और इस प्रोसेस के दौरान कुछ जो वर्कर है वहां पे उनको क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है पर्टिकुलर, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। इसको हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्यों कहेंगे, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम इसलिए कहेंगे कि हम काम करते हुए अगर बीमार हो जाएं, उस प्रोसेस में कोई भी काम करते हुए हम अपने जॉब में अगर हम बीमार हो जाते हैं तो ये कहलाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, उस जॉब के कारण हमको डिजीज हो रही है, ठीक है, इसलिए हम उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहेंगे। तो ऐसा वुल का प्रोडक्शन में ऐसा जो डिजीज है, ठीक है, वो जो बैक्टीरिया है जिससे ये डिजीज होता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है इसमें बैक्टीरियम वो है एंथ्रेक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये फैटल बहुत ही खराब ब्लड की डिजीज कर देता है, ठीक है, डिजीज हो जाती है इंफेक्शन में आने के कारण, ठीक है। तो ये जो डिजीज है इसके कारण जान भी जा सकती है, ठीक है। ये ज्यादातर किसको होता है, शॉर्टर्स को होता है जो अरेंज करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको शॉर्टर जॉब बी डिजीज कहते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही रिस्की होता है। तो आप अवेयर रहें, जब भी आप शॉर्टिंग कर रहे हैं वुल की तो आप पहले से प्रोटेक्शन लेकर रखें, आप ग्लव्स पहन के ये सब किया करें, ठीक है, इन सब चीजों का आपको ध्यान देना होगा। ये शॉर्टर्स डिजीज कहलाती है, शॉर्टर्स जॉब में
ये डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी होता है वुल से, ये खतरनाक भी होता है। अब हम बात करेंगे सिल्क की। अगर आप बात करिए सिल्क की, तो सिल्क हमको कैसे मिलता है? तो सिल्क में देखिए बहुत आसान होता है, सिल्क का प्रोडक्शन नेचुरली भी हो सकता है और हम फैक्ट्री में भी इसको कर सकते हैं। तो जो इसकी स्टडी है, जो हम ये रेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो हम ये पाल रहे हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क, सिल्क वॉर्म, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये जो प्रोसेस है जैसे हम ये कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं सिल्क वॉर्म, हम रेयर कर रहे हैं, फिर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सिल्क को, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसकी जो स्टडी होती है, जो ये प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। ये जो मेथड है जिससे हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहलाता है सेरीकल्चर, ठीक है। हम ये कैसे सीखें, कैसे हम एक वॉर्म से एक सिल्क को जनरेट कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये हमारा कहलाता है सेरीकल्चर। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप सिल्क वॉर्म पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। वूल पे तो कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन सिल्क पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप इस पे फोकस करिए, ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको सिल्क वॉर्म की हिस्ट्री को देखना होगा, सिल्क वॉर्म कैसे प्रोड्यूस करता है एक सिल्क को। तो इसके लिए हमको सबसे पहले देखना होगा मेल को और एक फीमेल को, ठीक है। ये हम पहले नेचुरल प्रोसेस की बात करेंगे, हम फिर फैक्ट्री की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक मेल है और फीमेल है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे और फिर फाइनली फीमेल जो होगी क्या होगी, ये एग को लेआउट करेगी, एग्स को लेआउट करेगी, ठीक है। और कुछ कंडीशन में, वार्म कंडीशन में क्या होगा, ये जो एग्स हैं ये फूटेंगे और उसमें से निकलेगा लार्वा, ठीक है। लार्वे निकलेंगे और यही क्या कहलाते हैं, ये सिल्क वॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। या हम इसको कहते हैं कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर्स, ठीक है। तो ये तो यहां तक आपने समझा कि मेल फीमेल फ्यूजन में आएंगे, फिर फीमेल जाके एग देगी, ठीक है। और ये एग कहां पे देगी, ये मलबरी ट्री पे देगी, ठीक है, मलबरी लीव्स पे देगी, मलबरी लीव्स पे ये एग प्रोड्यूस करती है। और वार्म कंडीशन में ये लार्वा आता है, फिर ये सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म कैटरपिलर स्टेज में आता है, ठीक है। और कैटरपिलर का नेक्स्ट स्टेज जो ग्रोइंग एज होता है उसको हम प्यूपा कहते हैं। प्यूपा स्टेज में ही क्या होता है, प्यूपा अपने आप को घेर लेता है, ठीक है। और ये जो घेरता है, जिस चीज से घेरता है, वो क्या है, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ईट का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ये फिर जब अपने आप को घेरता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड अपने साथ ये निकालता जाता है, वीव करता है, और ये उसी समय फाइबर को सिक्रीट करते हैं, ये प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक है। यही प्रोटीन्स अपने चारों तरफ ये घेर लेता है, यही बाद में जाके ककून कहलाते हैं, ठीक है। जब ये अपने चारों तरफ घेर लेता है, इसी को हम ककून कहते हैं, और ये फिर फाइनली एक कंप्लीट क्या हो जाता है, यहां से हमको इसी केस में ये एडल्ट निकल जाता है, ठीक है। और हमको ये ककून से ही हम क्या करते हैं, ये सिल्क बनाते हैं, ठीक है। जो हम सिल्क बनाते हैं ये ककून से ही हमको मिलता है। अब हम इसको
आने वाले स्लाइड में भी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एक उसका लाइफ स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। और ये जो सिल्क हमको मिलता है ये काफी टाइप के होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सिल्क की बात करें तो ये कई नाम से प्रसिद्ध है। आप पूरे इंडिया में देख लीजिए, ये कई तरह के आपको सिल्क मिल जाएंगे। अगर आप इसमें बात करिए तो टासर सिल्क बहुत फेमस है, ठीक है। फिर है आपका मूंगा सिल्क, मूंगा सिल्क है। और आप देख सकते हैं कि कोसा सिल्क, ठीक है, ये बिलासपुर में बहुत फेमस है कोसा सिल्क। और भागलपुरी सिल्क है जो कि आपको भागलपुर में मिलेगा, ठीक है। मलबरी सिल्क, ये सब बहुत ही फेमस सिल्क हैं, एरी सिल्क। तो अगर आप सिल्क की बात करें तो कई टाइप के, हजारों टाइप के सिल्क आपको मिलते हैं, ठीक है। एरी सिल्क ई है, ये एरी सिल्क, ठीक है। और भी कई टाइप के सिल्क होते हैं। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कितने टाइप के सिल्क आपको मिलते हैं, ठीक है। और आप आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कैसे आप पहचानेंगे किसी सिल्क को, ठीक है। ये चीज आप बताएंगे, कुछ काम मैं करूं और कुछ काम आप भी करिए। और अगर आप ये सिल्क का जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा था, ये आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वुमेन बहुत एक्टिव है, मेल से ज्यादा वुमेन बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे सारा काम, चाहे रेयरिंग का हो, प्रोसेसिंग का हो, हर जगह पे आपको वुमेन ये करती हुई दिख जाएगी, ठीक है। और नंबर वन पे यहाँ पे चाइना है और इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज में है सिल्क प्रोडक्शन में। और अगर हम चाहें तो इंडिया को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारी माँ बहनें और आगे बढ़े तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं सिल्क प्रोडक्शन में, हम भी नंबर वन पे आ सकते हैं। हमको अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा। जैसे जैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते जाएंगे, हम सिल्क प्रोडक्शन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है, इसीलिए यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अभी हमने देखा कि कितने टाइप के सिल्क होते हैं, अब हम देखेंगे कि कैसे एक ककून से सिल्क बनता है। उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे सिल्क का डिस्कवरी हुआ था, तो इसके लिए हमको चाइना का रुख करना होगा। हम चाइना की तरफ बढ़ेंगे। चाइना में बहुत पहले राजा हुआ करते थे हुंग टी। उन्होंने शी लुंगची को कहा, ठीक है, वो उनके अंडर में थे, उनसे कहा कि जाके देखो कि हमारे गार्डन में जो पेड़ हैं उनके पत्ते खराब होते जा रहे हैं। उनके गार्डन में कौन से पेड़ थे? उनके गार्डन में पेड़ थे मलबरी ट्री के, ठीक है। तो जब सी लुंगची गार्डन में गए, उन्होंने देखा कि एक वाइट कलर का वॉर्म पेड़ों पे है और वो वहां पे जो पत्ते थे उनको वो खा रहा था। और फिर खाते खाते उन्होंने देखा कि वही वॉर्म कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एट फॉर्म में बना रहा है और वो धीरे धीरे ककून में बदल गया और वो चाय पी रहे थे। और गलती से ये ककून जो था, ये ककून जो बना हुआ था, वो उनके चाय में गिर गया। जैसे ही उनके चाय में ये ककून गिरा तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि ककून तो अलग हो गया, ठीक है, ये ककून अलग हो गया और वो कीड़ा उस चाय में मर गया, तो ये दोनों अलग हो गए। और यहीं से इस ककून से इनको सिल्क के बारे में पता चला और चाइना तभी से सिल्क के बारे में जानता है। और काफी दिन तक इस डिस्कवरी को चाइना ने छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन काफी दिनों के बाद ये जब ट्रेडर को पता चला, ट्रेडर से वो इंट्रोड्यूस हुआ, तो ट्रेडर्स चाइना गए और वहां से सिल्क को उन्होंने देखा और वो सिल्क लेके वो ट्रेडर्स अपने अपने कंट्रीज गए और उन्होंने सिल्क को इंट्रोड्यूस किया।
जिससे सिल्क बहुत फेमस हो गया। और ये जो रूट इन्होंने फॉलो किया था इन ट्रेडर्स ने, यही रूट आज सिल्क रूट के नाम से फेमस है। ठीक है, आजकल सिल्क रूट करंट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इस समय चाइना चाह रहा है कि जो सिल्क रूट पहले हुआ करता था वो सिल्क रूट आज भी फिर से बनाया जाए। ठीक है, तो इस समय ये करंट में है, आप इसको न्यूज में फॉलो करते रहिए, ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे सिल्क के डिस्कवरी की बात। अब हम देखते हैं कि कैसे ककून से सिल्क बनता है, ककून टू सिल्क हम बनाते हैं। तो वही हम पुरानी बात फिर से एक बार दोहराते हैं कि फीमेल होती है सिल्क वॉर्म की, वो क्या करती है, ये देखिए लीफ है, मलबरी लीफ पे अंडे देती है। ठीक है, और वार्म कंडीशन में, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ये एग जो होते हैं ये फूट जाते हैं और उसमें से व्हाइट कलर के वार्म निकलते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर के वार्म निकलते हैं और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि जब ये वार्म निकल आते हैं कुछ दिन तक इस लीफ पे वो रहते हैं और लगातार खाते रहते हैं। ठीक है, 25-30 दिन तक ये वार्म जो है खाता रहता है और उसके बाद ये रुक जाता है और रुकते ही ये कुछ फाइबर ये रिलीज करता है जो कि 8 के फॉर्म में होता है। 8 के फॉर्म में ये बनाता जाता है अपने चारों तरफ और करते करते ये ककून का शेप ले लेता है। ठीक है, ये देखिए ककून का शेप ऐसा होता है। ठीक है, और यही ककून फिर बाद में जाके हमको इससे सिल्क मिलता है। तो देखिए कैसे ये सिल्क बनेगा। ठीक है, तो वो जब वीव करता है वो जो कैटरपिलर रहता है, वो जो वॉर्म होता है वो कैटरपिलर का शेप ले लेता है, बड़ा हो जाता है तो उसको कैटरपिलर कहते हैं। तो कैटरपिलर जब नेक्स्ट स्टेज में आता है, प्यूपा के स्टेज में आता है, तो ये 8 का शेप ले लेता है और फिर वो ककून के अंदर आ जाता है। ये ककून के अंदर यही प्यूपा ही रहता है, ये अभी तक कैटरपिलर था। ठीक है, कैटरपिलर के बाद ये प्यूपा का स्टेज आता है। ठीक है, और प्यूपा से ये जो ककून है ये जब बस्ट होता है तो फिर एडल्ट वॉर्म निकलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में ऐसा कैसे होगा? तो फैक्ट्री में लोग क्या करेंगे, वो बैम्बू स्टिक लेंगे, बैम्बू स्टिक पे वॉर्म को रख देंगे और उसी पे फ्रेश मलबरी लीव्स को छोड़ देंगे और कैटरपिलर उस पे खाएगा। अभी तो हमने देखा कि नेचुरली कैसे होगा। अगर हम यही फैक्ट्री में बात करें तो हम बैम्बू स्टिक लेते हैं और वहीं पे कैटरपिलर को छोड़ देते हैं और मलबरी लीव्स को उसके ऊपर आसपास छोड़ देते हैं, वो उस पे फीड करता रहता है और जब वो प्यूपा में चेंज होता है वो उस पे फीड करने लगता है। फीड करने के बाद ककून बनता है। ककून फिर जब बन जाता है फिर क्या करता है, फार्मर ले जाके उसको धूप में रख देता है। ठीक है, धूप में रखते ही वो क्या होता है, अपना फूट जाता है, या तो वो सन में करेगा, सन में छोड़ देगा। ठीक है, या तो फिर वो जो फार्मर है वो बॉइल्ड वाटर में ककून को छोड़ देगा। तो जैसे ही ककून को छोड़ेगा तो ये बस्ट कर जाएंगे, इसमें से जो वॉर्म था ये बाहर आ जाएगा, ये मर जाएगा और हम यहां से ककून ले लेंगे। यहां से हमको इस ककून से ये जो थ्रेड मिलेगा यही फिर बाद में सिल्क का फॉर्म ले लेगा और इसको यही जो सिल्क के थ्रेड होंगे इन्हीं को हम जोड़ेंगे एक दूसरे से। ठीक है, और यही थ्रेड फिर हम इसको रील कर लेंगे, लपेट लेंगे। ठीक है, रीलिंग कर लेंगे, ये फाइनल स्टेप होगा। ठीक है, रीलिंग का ये फाइनल स्टेप होगा और फिर यहीं से हम बाद में जाके सिल्क क्लॉथ बना लेते हैं, वीव करके कढ़ाई करेंगे, बुनाई करके हम उसको सिल्क बना लेंगे। इस ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है एक सिल्क बनने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने काफी चीजें सीखी और देखिए सिल्क के हमने यहाँ पे बात कर ली। एक आपका होमवर्क है
जो कि आपके बुक में भी दे रखा है, आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि शीप के कितने टाइप के ब्रीड होती है ये आपको बताना है और वो कहाँ पे रहती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। शीप के कितने वैरायटी आपके बुक में दे रखी है ये आप देख के बताएंगे, ये आपका काम है, ठीक है। थैंक यू, यहाँ पे ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें हमारे चैनल को, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।